आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Realme के फ़ोन में ऐप परमिशन सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं और ऐप परमिशन का ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, आइए जान लेते हैं। तो यहां पर आप इसके लिए अपने Realme के फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करके आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स पर क्लिक करिए। ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो देख सकते हैं ऊपर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करिए। क्लिक करके आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसके बाद जिस एप्लीकेशन की ऐप परमिशन सेटिंग्स आप करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करिए। तो जैसे कि हम मैप्स पर क्लिक करेंगे, अब क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा परमिशंस का। परमिशंस पर क्लिक करिए। क्लिक करके दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा अलाउड और नीचे आएगा नॉट अलाउड। तो अलाउड में आएंगी वो सारी परमिशन जो कि चालू हैं, नॉट अलाउड में आपको शो कराएगा वो सारी परमिशन जो कि चालू नहीं हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी परमिशन को बंद करना चाहते हैं तो परमिशन पर क्लिक करिए। हम कैमरा पर क्लिक करेंगे, नीचे देख सकते हैं आएगा डोंट अलाउ या फिर डिनाई, इस पर क्लिक करिए। बैक आइए, अब परमिशन देख सकते हैं नॉट अलाउड में आ चुकी है। अगर आप किसी परमिशन को चालू करेंगे तो नीचे नॉट अलाउड में वो परमिशन आपको शो कराएगा जो कि चालू नहीं है। तो जैसे कि कैमरा की परमिशन हमने बंद की है तो कैमरा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर हम क्लिक करेंगे अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक करिए। बैक आइए और अब परमिशन चालू हो चुकी है। तो इस तरीके से Realme के फ़ोन में ऐप परमिशन सेटिंग्स करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।